क्या हुआ, रनिंग नहीं मार रहा तू? अरे ना यार, धूप बहुत हो रही है। धूप हो रही है? धूप देख के आर्मी का भूत उतर गया क्या? उसे देख, वो कितनी मेहनत कर रहा है। अरे मेहनत तो कुछ न होता। क्या मतलब? मतलब अरे मतलब जेब भी गर्म होनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। देख मेहनत तो कुछ न होता है, ठीक है, जेब भी गर्म होनी चाहिए। आधी पेमेंट जा ली, आधी पेमेंट भरती के बाद अपना तो हो जाएगा भाई। यार आज हम पे पैसे तो नहीं है, मगर उसका सपना है आर्मी में जाने का। यार इस बार उसका सिलेक्शन हो जाए बस। देख मैं चला ठंडा पीना, चलता हूँ, चल अपना तो हो जाएगा भाई, टेंशन की चीज क्या है ना। नहीं तू जा, मैं आजम से मिलके जाऊंगा। ठीक है भाई, अब तो रही हो। आजम और बता कैसी चल रही है तैयारी? बस बढ़िया। वैसे कब है सिलेक्शन? परसों यार, परसों पड़ती है। चल सही है, इस बार तेरा हो जाएगा। यार अल्लाह करे, मुझे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चल सही है। मैं क्या कह रहा था, घर चल रहा है क्या? नहीं यार, बस 3-4 राउंड और फिर आता हूँ। चल यार तू कर ले, मैं जा रहा हूँ। बाय। आजम क्या हुआ यार भर्ती का? नहीं हुआ यार, मतलब सब कुछ क्लियर था, फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर कर दिया। शाम को बोलते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा भी होता है क्या यार? चल कोई नहीं, तू हार मत मानियो, अभी तेरे पास 3 साल है, दबके मेहनत कर। तुझे लगता है मैं हार मानूंगा? मैं और मेहनत करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो मुझे मना ही ना कर पाए। हाँ चल ठीक है, मैं दौड़ मार लूँ। चल ठीक है, बाय। अरे क्या बात है, तू यहाँ पे कैसे आ गया सुबह सुबह? मैं नहीं, छोड़ दू, बता इतनी सुबह तू क्या कर रहा है यहाँ? रनिंग मार गया। तू अभी भी रनिंग करता है? हाँ यार, पिछले 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, कोरोना आ गया, ऐसा लगता है कि यार मैं एक फौजी बन ही पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। मेरे पापा का, मेरा सबका सपना है यार मैं एक फौजी बनूँ, लेकिन यार मेरी किस्मत। यार इसमें तेरी थोड़ी गलती है, तेरा किस्मत खराब है ना। यार किस्मत मेरे टाइम पे खराब होनी थी क्या? मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं फौजी नहीं बन पाया ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ। तुझे पता मेरी एज हो गई है यार, ये लास्ट साल है, और भर्ती निकलेगी नहीं निकलेगी कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी रोज रनिंग मारता हूँ कि कहीं कोई भर्ती निकले और मैं पीछे ना रह जाऊँ। यार कोई नहीं, तू परेशान मत हो आजम, सब अच्छा होगा। कुछ अच्छा नहीं हो रहा यार सर। चल मैं जा रहा हूँ रनिंग, क्या पता कब भर्ती निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊँ, मैं वो भी नहीं देख सकता। भाई ये क्या है, आर्मी भर्ती 23 मार्च, आज 21 है, मतलब 2 दिन बाद। ओ आजम जल्दी आ। क्या हुआ? बैठ, ये देख। क्या ये? आर्मी की भर्ती निकली है भाई, 23 मार्च इंडियन आर्मी भर्ती। सौरभ भाई देख, इस बार ना, इस बार मुझे इंडियन आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं ना पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा और मुझे वो मना कर ही नहीं पाएंगे।
तो भाई समोसा पैक कर दियो यार जरा। तेईस मार्च आर्मी भर्ती कैंसिल? आज तो 23 मार्च है। मैं आज हमको फोन करता हूं। आज हम फोन उठा यार, ये फोन नहीं उठा रहा है, लगता है मेरे को जाना पड़ेगा इसके पास। यार ने टेंशन ना ले लियो, यार फोन तो उठा आज हम। यार ये उधर चेक कर लेता हूँ एक बार। यार आजम कहाँ है यार, ये घर पे भी नहीं है, ग्राउंड में भी नहीं दिख रहा यार, ये गया कहाँ? ग्राउंड तो यार खाली पड़ा है। आजम शायद यहाँ आया ही नहीं हुआ आज। ये तो आजम का बैग है, बैग तो उसका यही है। ड्रेस किसकी रखी है? चिट्ठी? पापा, इस जन्म में तो मैं फौजी नहीं बन पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका ही बेटा बन के आऊंगा। मैं आपका ही बेटा बन के आऊंगा, फौजी भी बनूंगा और अपने भारत माता की रक्षा करूंगा। सॉरी पापा, मुझे माफ कर देना। भाई देख, इस बार ना, इस बार मुझे इंडियन आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं ना पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा और मुझे वो मना कर ही नहीं पाएंगे। सो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है। अभी एक भाई ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था जब वो मतलब इंडियन आर्मी में नहीं जा पाए थे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यार ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, हम प्राउड करते हैं कि वी आर इंडियन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अगर आप इंडियन आर्मी में नहीं जा पा रहे या कुछ आपको आपका सपना है आप वो पूरा नहीं कर पा रहे तो आप सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हो। इससे पता क्या होता है, इससे आपको, आपकी फैमिली को, इवन आपके देश को जिसे आपकी ज़रूरत है, आप उनका नुकसान कर रहे हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आप इंडियन आर्मी, हम बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियन और हमें बहुत, वो बंदे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मतलब बहुत बड़े लोग होते हैं जो इंडियन आर्मी में फौजी होते हैं। बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ इंडियन आर्मी में ना रह के इंडियन मतलब इंडिया में रह के भी देश की सेवा कर सकते हो, बाहर भी सेवा कर सकते हो। तो प्लीज़ कभी भी ऐसा कोई स्टेप मत लो जो आपकी फैमिली को इफेक्ट करे, आपको आपके देश को इफेक्ट करे। बस कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कि यार जो भी कुछ भी करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचो और अपनी फैमिली का, अपने देश का ज़रूर ध्यान रखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और पेज को फॉलो कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।